आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे आधे सर का दर्द जो कि बहुत ही तकलीफ देह बीमारी है और बहुत ज़्यादा परेशान कुन बीमारी है। नाजरीन, आधे सर का दर्द की कई वजूहत हो सकती है, मगर जो मैं आज नुस्खा बताने वाली हूँ इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका आधे सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाज़रीन, आधे सर के दर्द दूर करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए? आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है और नाज़रीन दूध का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद नाज़रीन मैं आपको ये बता दूँ कि आपने जो है दूध के अंदर आपने जो है जलेबियाँ जो फीकी वाली जलेबियाँ हैं वो आप दूध के अंदर मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सूरज निकलने से पहले पहले। दूध के अंदर आपने जलेबियाँ डालनी है और भिगो कर रख देना है। जैसे ही आप नमाज़ पढ़ कर हटें तो उसके बाद आपने दूध में जलेबियाँ भिगो कर रख दें। जैसे ही सूरज निकलने से पहले पहले आपने ये नाश्ता कर लेना है। इनके आधे सर में दर्द होता है, ये आपने एक नुस्खा इस्तेमाल करना। दूसरा, आपने अंगूर का रस जो कि अंगूर बाज़ार में दस्तियाब है अंगूर आपने लेने हैं, उसका एक कप आपने उसका जूस बनाकर आपने पीना है, यानी कि अंगूर का रस निकाल लेना है, उसको आपने पीते रहना है कम अज़ कम 15 दिन तक। आपने अंगूर का रस पीना है, उसके बाद नाजिन गुड़ लेना है, आपने गुड़ लेना है अपने 12 ग्राम, और उसके बाद आपने देसी घी लेना है। देसी घी के अंदर उसको गुड़ को मिलाकर आपने खाना है, इससे जो है आपका दर्द दूर हो जाएगा और आपकी बीमारी हमेशा के लिए जाती रहेगी। तो नाजिन, ये आधे सर के दर्द के लिए बेहतरीन उसका जो कि बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आपने हर तरह के दम भी लोग करवा लेते हैं और बहुत ज़्यादा तवीज़ भी गले में लटका लेते हैं, जिससे जो है कोई फ़ायदे वाली बात नहीं। अल्लाह का कलाम है, सही आप नमाज़ पढ़ें कुरान पढ़ें, उससे जो है आपको अल्लाह ताला ज़रूर आपको शिफा देगा। अल्लाह पर दुआ मांग कर तो देखें, अल्लाह पर भरोसा तो रखें। बाज़ लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो फिर तवीज़ की तरफ चले जाते हैं कि हम ये तवीज़ पहनेंगे हमारा दर्द जो है सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, लोग मानते हैं तवीज़ों को भी, मगर मैं ज़्यादा अपने मरीज़ों को यही कहूँगी कि आप नमाज़ पढ़कर कुरान पढ़कर अल्लाह ताला के आगे दुआ मांगें तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है कोई परेशानी जो होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन, जो है ये चीज़ें नेचुरल कुदरती चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो है जब आपको फ़ायदा हो जाए तो दूसरे लोगों को बताइएगा कि जिन लोगों का आधे सर का दर्द है। आधे सर में नाज़रीन इतना शदीद दर्द होता है कि बाज़ लोगों को कैह भी आ जाती है। जब तक वो कैह आती है तो इंसान में जो है मरीज़ परेशान रहता है, जब कैह आ जाती है थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो उस वक्त आपने जो मैंने ये नुस्खे बताए हैं आपको, आपने इसी तरह इस्तेमाल करवाने, इंशाल्लाह ताला मरीज़ आपका सेहतमंद हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, तवाना हो जाएगा। और जो सुबह जो काम उसके रह जाएगा इंसान के कर नहीं पाता, वो काम ज़रूर करेगा जब आप ये चीज़ें जो मैंने बताई इस्तेमाल करवाएंगे। ताकत वाली चीज़ें, जब दिमाग को ताकत मिलेगी तो वो बहुत जल्द उसको जो है ताकत मिलेगी, बहुत जल्द अपना काम करने लग जाएगा। तो नाज़रीन, ये मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी सर में दर्द होता है, उनको भी आप ये दवाई दे सकते हैं। आप ये गज़ा समझ लें, जो लोग कहते हैं कि ये गज़ा है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, मगर नाज़रीन गज़ा ही तो है जो हमारे जिस्म को ताकत देती है। और हम एक दवाई की सूरत जो मैं बताती हूँ, यही गज़ा है जो दवाई की सूरत में बताती हूँ, वो आपको जो है सेहतमंद और तवाना बना देती हैं और आपको फ़ायदा देती हैं। तो नाज़रीन ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला और भी आगे चलकर मैं आपकी खिदमत में और भी मज़ीद अच्छे नुस्खे आपकी खिदमत पेश करती रहूँगी। ज़िंदगी रही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।